श्रीमद् भागवत कथा की दिव्यता और भगवान कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करने आ रहे हैं श्री योगेंद्र जी महाराज। स्थान: शिव कॉलोनी, गली नंबर 9, सोनीपत, हरियाणा। हो गुलामी अगर श्याम दरबार की, ये खुदाई भी है बादशाही भी है। हो गुलामी अगर श्याम दरबार की, ये खुदाई भी है बादशाही भी है। दासी दर की भी कारण बने जिस वक्त, दासी दर की भी कारण बने जिस वक्त। इसे पढ़कर बताओ कि क्या बात है, बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो के उस वक्त क्या बात है। इसके चरणों में जीवन का सुख है मिला, मिट गया जो भी दिल में था शिकवा गिला। इसके चरणों में जीवन का सुख है मिला, मिट गया जो भी दिल में था शिकवा गिला। सांस रटती रहे नाम तेरा सदा, सांस रटती रहे नाम तेरा सदा, फिर ना पूछो कि दिल में क्या जज्बाते हैं। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो कि उस वक्त क्या बात है। इसके द्वारे पे डाला है जब से डेरा, इसके द्वारे पे डाला है जब से डेरा, फिर ना पूछो कि कैसी मुलाकात है। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो कि उस वक्त क्या बात है। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो कि उस वक्त क्या बात है। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो कि उस वक्त क्या बात है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, नारद जी ज्ञान और वैराग्य को वेद उपनिषद शास्त्र सब सुनाते हैं। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता जी का पाठ तो बार बार सुनाते हैं। ज्ञान वैराग्य के अंदर थोड़ी सी चेतना आती है और फिर अचेत होकर गिर पड़ते हैं, तभी आकाशवाणी होती है। ओधम सफलोत्यम, ओध्वम सफलस्तेयम, भविष्यति न संशय। नारद जी उधम करो। नारद जी ने पूछा क्या करूं, आकाशवाणी हुई। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षेत्व समाचर। सत्कर्म करो, अब ये बताएगा कौन? कोई संत ही बता सकता है।
अब नारद मुनि निकल पड़ते हैं सत्कर्म की खोज में। किसी भी संत के पास जाते, छोटे मोटे संत तो नारद जी को देखकर वैसे ही अपने आप की जान बचा लेते कि महाराज हमें तो कुछ पता ही नहीं, इतने बड़े संत हमसे पूछ रहे हैं। जो बड़े बड़े महात्मा थे, मठाधीश थे, नारद जी ने जब पूछा कि महाराज सत्कर्म क्या है, तो उन्होंने ये कह दिया कि महाराज जी का तो मौन वचन है, मौन व्रत बोलेंगे ही नहीं। भक्तों, नारद जी भ्रमण करते करते बद्रीनाथ क्षेत्र के अंदर पहुंचते हैं। वहां उनकी भेंट होती है सनकादि ऋषियों से। सनकादि ऋषियों से नारद जी वार्तालाप करते हैं। सनकादि ऋषि हर समय एक मंत्र का उच्चारण करते थे, कौन सा? हरि शरणम, 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 हरि शरणम। जब नारद जी पहुंचते हैं, जब सारा वृतांत बताया, सनकादि ऋषि कहते हैं, अरे नारद मुनि, इस छोटी सी बात के लिए इतने परेशान, इसका समाधान हमारे पास है। मा चिंताम कुरु देवर्षे, हर्षम चित्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवही। कि जो आकाशवाणी ने सत्कर्म बताया वो और कुछ नहीं बल्कि परमहंसों द्वारा गाई गई, परमहंस यानी सुखदेव जी महाराज द्वारा गाई गई श्रीमद् भागवत पुराण है। कहा महाराज, भागवत जी तो वेद रूपी शाखा का एक फल है, मैंने तो उन्हें वेद वेदांक सब कुछ सुना दिया, जब उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो भागवत जी का क्या प्रभाव पड़ेगा। सनकादि ऋषि कहने लगे, हे नारद मुनि, आम का वृक्ष तुमने देखा, उसका फल कितना मीठा होता है, आम का फल तुमने देखा है कितना मीठा होता है, क्या तुम्हें वो रस का स्वाद उसके तने से भी मिल सकता है। नारद मुनि, तुमने तो बस वेद के वृक्ष का तो वर्णन किया, लेकिन उन्हें आवश्यकता तो उस फल की है। अब कहते हैं, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सुलभ न सोई। आवत एही सर
अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक संतों का संग नहीं करते तब तक विवेक नहीं आ सकता, और जब तक राम जी की कृपा ना हो जब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आवत एही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाए। चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई सिर पर आ जाए अगर राम की कृपा हो ना उसका कोई प्रभाव व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता। नारद जी कहने लगे हे सनकादियो आप परम रसिक हो अब आप ही इस भागवत कथा को हमें सुनाइए। सनकादि ऋषि कहते हैं हे नारद मुनि कथा का आयोजन हर क्षेत्र करते हैं यानी हरिद्वार करते हैं। भक्तों सनकादि ऋषि बद्रीनाथ धाम को छोड़कर हरिद्वार क्यों आए? देखिए भक्तों हरिद्वार ऐसा स्थान है जहां नीचे से गृहस्थ भी जा सकते हैं और ऊपर से महात्मा और संत भी आ सकते हैं, इसलिए हरिद्वार का चयन किया गया। सनकादि ऋषि कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। देखो भगवान की कथा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाक्षेत। भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है और भगवान की कथा सुनने मात्र से वो हरि इस हृदय पटल पर चिपक जाते हैं, और जिसके हृदय पर वो कृष्ण चिपक गया ना चाहकर भी नहीं उतार पाओगे। बार बार प्रयास करके भी उस हरि को इस हृदय पटल से उतार नहीं पाओगे। तुम निकालना भी चाहोगे जब भी नहीं निकल कर जाएंगे, और मानव तन पाकर भी जो परम लाभ को नहीं प्राप्त कर सका वह तो चांडाल के समान है, यानी श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। जो व्यक्ति ये मानव शरीर प्राप्त करके भी उस परम पद को नहीं प्राप्त कर पाया, अब सनकादि ऋषि चारों मुक्त कंठ से हरि का गुणगान करने लग जाते हैं। तभी भक्ति वहां उपस्थित होती है। सनकादि ऋषि से कहने लगी महात्मन हम क्व तिष्ठामि मैं कहां बैठूं? सनकादि ऋषि कहते हैं तुम्हें कहीं भी स्थान मिले तुम वहां बैठ जाओ। कहा महाराज आप कथा सुना रहे हैं पूरा पांडाल खचाखच भरा कहीं रास्ता ही नहीं बैठने का। सनकादि ऋषि कहते हैं हे भक्ति ये जितने भगत बैठे तुम इनके हृदय में बैठ जाओ। देखो भक्तों ये हृदय तब ही निर्मल होता है जब भक्ति से हृदय में बैठती है। जब भक्ति इस हृदय में बैठती है तो ही हरि आते हैं उस भक्ति को देखकर, और तुम्हारे हृदय में काम क्रोध मद लोभ मोह अगर भरा रहे तो हरि कहां आएंगे। इसलिए सबसे पहले भक्ति को इस हृदय में विराजमान करवाओ। अब सुजी महाराज कहते हैं जो ही कथा प्रारंभ होती है ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होकर नाचने लग जाते हैं। नारद मुनि कहने लगे हे प्रभु
ये भागवत कथा किसका उद्धार कर सकती है? क्या ये पापियों को भी तार सकती है? सनकादि ऋषि कहने लगे, नारद मुनि, पापियों को नहीं, जिन्होंने अपने जीवन में सिवाय पाप के कुछ किया ही ना हो, ये उनका भी उद्धार कर सकती है। ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधा अग्नि दगधा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने सर्वदा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने सदा पाप किए हैं, सदा दुराचारी रहा हो, सदा उल्टे कामों पर विमार्ग में रहा हो, जिसके अंदर हमेशा क्रोधाग्नि धधकती हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसे व्यक्ति को भी उद्धार कर सकती है। नारद जी कहने लगे, प्रभु क्या इसका कोई प्रमाण भी है? क्या इसका कोई प्रमाण है किस पापी का उद्धार किया है? सनकादि ऋषि कहते हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक पंडित रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी थे, लेकिन धुंधुली बिल्कुल उसके विपरीत। जब तक दिन में किसी से ना लड़ ले, झगड़ ले, तब तक उसको शांति ही नहीं मिलती थी। देखो भक्तों, स्त्रियां चार प्रकार की होती हैं। कौन सी? डंकिनी, शंकिनी, पद्मिनी, नरभक्षिणी। मैं हर बार बताता हूं, डंकिनी यानी जो घर में पति के प्रवेश करते ही अपनी बातों का डंक मारना प्रारंभ कर दे। शंकिनी, शंख बजते देखा तुमने? कोई भी पड़ोस वाली कान में फूंक मार के सारा दिन बजती रहेगी। नरभक्षिणी, किसी और के चक्कर में आकर अपने पति का जो भक्षण कर जाए। और पद्मिनी, पद्मिनी यानी माता लक्ष्मी साक्षात, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली। और भक्तों, धुंधुली के अंदर एक पद्मिनी के गुण को छोड़कर बाकी सभी थे। अब आत्मदेव जी के पास वैसे तो सब कुछ था, बस संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण गृह त्यक्त्वा वनगता, घर को छोड़कर वन की तरफ चल पड़ते हैं। वहां एक तालाब पर बैठे थे, सोच रहे थे कि अपने प्राण त्याग दूंगा। तभी एक संत की दृष्टि उन पर पड़ती है। संत हृदय नवनीत समाना। भक्तों, संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। जब दृष्टि पड़ी, कहने लगे, कथम रोदिशी विप्रा त्वम का ते चिंता विल्यसिति, कथम रोदशी विप्रा त्वम का ते चिंता वल्यसी। अरे विप्र, क्यों रो रहे हो? ऐसी कौन सी चिंता है? वदम सवस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण हमें बताओ। क्या महाराज, मेरे तो दुख का एक ही कारण है कि मेरे घर कोई संतान नहीं। साधु महात्मा कहने लगे कि हे विप्रवर, अरे संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या कोई एक भी उनका उद्धार कर पाए? 100 कौरव थे, क्या कोई एक भी उद्धार कर पाया? क्यों संतान के चक्कर में पड़ते हो? हरि का भजन करो, इस संसार से मुक्त होने का प्रयास करो।
लेकिन आत्मदेव जी के मन में वो एक ही बात थी। आत्मदेव जी कहने लगे, महाराज गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पोत्र समन्विता। अरे वो गृहस्थ जीवन क्या जिसमें पुत्र और पोत्र किलकारी मारते ना घूमे। महाराज मैंने सुना है संतों के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। हे महात्मा, अगर मुझे संतान नहीं प्रदान हुई तो मैं आपके चरणों में माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा। और भक्तों, आत्मदेव जी अपना सिर पटकने लग जाते हैं। संत ने सोचा, अरे ये तो ब्रह्म हत्या व्यर्थ ही मोल ले ली गई। तब संत एक फल आत्मदेव जी को देते हैं, कहते हैं, इदं भक्षय पतन्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। अपनी पत्नी को यह फल दे देना। लेकिन एक बात का ध्यान करना, वो एक समय भोजन करे, पवित्रता से रहे, जीवों पर दया करे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे। और ये सब दो चार नियमों का अगर उन्होंने ठीक ठाक पालन किया तो तुम्हारे यहां एक सुंदर बेटा पैदा होगा। ये बात कहकर संत महाराज जी ने वो फल आत्मदेव जी को दे दिया। अब आत्मदेव जी घर आते हैं, घर आकर धुंधुली को वो फल दिया। कहा, धुंधुली महात्मा मिले थे, महात्मा ने फल दिया है, इसको खाने से हमारे घर पे संतान उत्पन्न होगी। वो फल देने के बाद कहा, धुंधुली खा लेना। कहा, ठीक है महाराज, खा लूंगी। और आत्मदेव जी अपने काम पर लग गए। अब धुंधुली सोचती है, न जाने पंडित जी कहां से किस महात्मा से क्या जादू टोना करा कर लाए हैं। तभी उसकी एक सहेली आ जाती है, अपनी सहेली से कहने लगे, अरे बहन, पंडित जी एक फल लाए हैं, कह रहे हैं इसको खाने से संतान पैदा होगी, किसी महात्मा ने दिया है। उसकी सहेली कहती है, बहन कई बार संतों का आशीर्वाद फलित हो जाता है, तेरे घर कोई संतान नहीं, क्या पता किसी महात्मा की कृपा ही हो जाए, तो इसे खा ले। खरी बहन, अगर उस महात्मा की बात सच हो गई मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भ धारण करने के बाद मेरे घर का काम कौन करेगा। उसकी पड़ोसन कहती है, बहन अपनी ननद को बुला लेना, वैसे भी जब तेरे घर संतान उत्पन्न होगी तुझे बुलाना तो पड़ेगा ही, दो चार महीने काम करा लेना, बाद में जो दे दे दियो। कहने लगे, अरे नहीं बहन, मेरी ननद तो बड़ी चोटी है, अगर दो चार महीने मेरे घर रह गई तो मेरा पूरा घर साफ कर देगी। और बहन अगर मान लो मैं तो कमजोर भी हो जाऊंगी, ना कुछ खाया जाएगा ना कुछ पिया जाएगा। और मान लो मैं घर में लेटी हूं और आग लग जाए तो मैं तो जल के मर जाऊंगी। अगर भूकंप आ गया तो तुम तो सब अपने प्राण बचा के भाग लोगे, मेरा मरण हो जाएगा। और ऊपर से मैंने सुना था सुखदेव महाराज जी 16 वर्ष तक अपने माता के गर्भ में रहे थे, अगर ऐसा मेरे साथ हो गया तो तदा मे मरणम भवेत, मैं तो तुरंत मर जाऊंगी। अब वो जो पड़ोसन आई थी बड़ी परेशान हो गई, कहने लगी, बहन देख मुझे नहीं पता, तेरा मन करे तो खा और तेरा मन ना करे तो मत खा। अब एवं कुतर्क योगेन, धुंधली इस फल को नहीं खाती, एवं कुतर्क योगेन यत् फलम नैव भक्षितम्, उस फल को नहीं खाया। तभी उसकी बहन आ जाती है। अब उसकी बहन चाह रही थी कि इनके घर में कोई संतान ही ना हो ताकि
ये मेरी संतान को गोद ले ले और इनका धन मेरे हिस्से में आ जाए। असल में बहन तो धुंधुली की ही थी ना। अब भक्तों उसकी बहन आ जाती है, अपनी बहन से कहने लगी, बहन ऐसे ऐसे पंडित जी महाराज ना एक फल लाए हैं, कहने से खाने से संतान होगी। अरे बहन तेरा दिमाग खराब है क्या, कभी फल खाने से भी किसी को कोई संतान उत्पन्न हुई है? अरे बाबा बाबाओं के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए? अरे बहन अब पंडित जी का तो विश्वास है, क्या करूं? तो एक काम कर, तेरी गाय भी बांझ है, तो ये वो फल उस गाय को खिला दे और मेरे गर्भ में संतान है, मैं ये संतान तुझे दे दूंगी। देखो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पति है ना, उन्हें तुम थोड़ा बहुत धन देकर उनका मुंह बंद कर देना। का ठीक है बहन। भक्तों हरी कृपा होती है, आत्मदेव जी से छुपाकर उधर उसकी बहन को संतान की प्राप्ति हो जाती है और वो धुंधली की बहन उस संतान को धुंधली के पास भेज देती है। आत्मदेव जी को जब संतान पैदा होने की ये खबर सुनी, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। उधर गाय के गर्भ से भी एक पुत्र रतन की प्राप्ति होती है, जिसके कान गाय जैसे और बाकी शरीर मनुष्य का। आत्मदेव जी उनका नाम गौकर्ण रखते हैं। अब बारी आती है धुंधकारी के बच्चे के नामकरण करने की। आत्मदेव जी कहते हैं मैं आत्मदेव इसका नाम रखूंगा परमात्मदेव। धुंधुली कहती है अच्छा, गर्भ पीड़ा से ही मैंने पेट में रखा, मैंने नाम रखोगे तुम? मैं ही नाम रखूंगी, मेरा नाम धुंधुली तो इसका नाम धुंधकार। अब कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। खल भी तीन प्रकार के होते हैं, खल उखल और महाखल। खल तो भक्तों वो है जो पशुओं को डाली जाती है, गाय को भैंस को डालते हो ना खल, और उखल जिसमें कूटा जाता है, और महाखल जिसमें दोनों गुणों, जो सदा कूटने के लायक हो और ऐसा अवशिष्ट हो जो पशुओं को डाला जाए, धुंधकारी महाखल था। पंडित क्या होता है? सत्य असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता सा पंडिता। जो सत्य और असत्य का ठीक ठाक विवेचन कर सके उसे पंडित कहा जाता है। अब